ट्रेन है अपनी ट्रेन नंबर 22919 हम सफर एक्सप्रेस। और हमारी हम सफर एक्सप्रेस के रेक्स जो है वो शेयर किए जाते हैं अहमदाबाद दरभंगा और अहमदाबाद पटना क्लोन स्पेशल। चलिए दोस्तों, तो शाम के 4 बजे बिल्कुल अपने तय समय पर हम लोग निकल रहे हैं चेन्नई सेंट्रल से। तो जी, अब चेन्नई सेंट्रल से रानीगुंडा जंक्शन तक का हमारा 141 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। और अभी तक भी हमारी ट्रेन जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम ही चली है, टाइम से पहले ही चली है। जस्ट एक स्टेशन पहले हमारी ट्रेन 25 मिनट बिफोर थी, लेकिन एक स्टेशन कवर करते करते ये ट्रेन अभी 35 मिनट लेट हो चुकी है। तो सुबह कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज शाम के वक्त इस रूट पर इस तरफ जाने वाली नहीं, चेन्नई की तरफ जाने वाली ट्रेन उतनी कुछ ज़्यादा थी नहीं। तो ब्रेकफास्ट के लिए भी 50 रुपीज़ में मुझे ये मिला है 3 इडली 1 वड़ा और ग्रीन टाइप की एक चटनी। और इसके बीच पड़ेगा भोर यानी खंडाला घाट। तो यहाँ से निकलने के बाद जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। और ये पुणे का ट्रिप शेड है, यहाँ पर आपको कई सारे लोकोमोटिव्स अलग अलग शेड के आपको देखने को मिलेंगे। वैब 4 है, वैब 7 है, वैग 9 है और पीछे तो और भी ज़्यादा है। अजनी लोको शेड का WCM 2, कल्याण लोको शेड WCM 2। शिवाजी महाराज टर्मिनस से पुणे। और जब मैंने फर्स्ट टाइम इस रूट पर विस्टाडोम कोच में ट्रैवल किया था ना, तब इसी ट्रेन के विस्टाडोम कोच में किया था। लोकोमोटिव खड़िया कल्याण लोको शेड से WDG 3A। और अब यहाँ से शुरू होगा घाट सेक्शन। ये सारे जो लोकोमोटिव आपको दिख रहे हैं बैंकर लोकोमोटिव्स हैं, जो ट्रेन्स ऊपर की ओर चढ़ती है कल्याण से इस तरफ। करजत से ये लोकोमोटिव लगाए जाते हैं और लोनावला पे निकाले जाते हैं, लेकिन हमारी ट्रेन में नहीं लगेगा जस्ट बिकॉज हम लोग नीचे की ओर ट्रैवल करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि खंडाला पर हमारी ट्रेन के ब्रेक्स चेक होंगे, तो उसी वजह से हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी है और ब्रेक्स इसके अभी थोड़ी देर के लिए चेक होंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से डिपार्ट करेंगे। लेकिन भाई साहब, ये जो व्यू है खंडाला रेलवे स्टेशन का और उसके आसपास का, ये अभी तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मानसून में इसमें 4 चांद लग जाते हैं। और मानसून में मैं 2-3 बार ट्रैवल कर चुका हूँ, उनके जो ब्लॉग्स हैं आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ से प्रॉपर जो खंडाला या फिर कहें भोर घाट है वो शुरू होगा। बट भाई साहब, आप ये रेलवे स्टेशन देखिए, कुछ ही देर के लिए 5 मिनट भी मैक्सिमम नहीं यहाँ पर रुकने वाली है ट्रेन, और फिर हम लोग निकल चलेंगे भोर घाट की ओर। तो
आपको दिख ही रही होगी यहाँ पर ढाल, डाउन हिल की तरफ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमें बैंकर्स की ज़रूरत नहीं है। बैंकर्स की ज़रूरत तब होती है जब आप चढ़ाई कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा पावर लगती है, लेकिन जब आप डाउन हिल की तरफ ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ ब्रेक्स आपको चेक करने होते हैं। तो बस ब्रेक्स छोड़ो और अब ट्रेन अपने आप दौड़ना स्टार्ट कर देगी। सारे जो पहाड़ अभी बंजर दिख रहे हैं ना, मॉनसून के वक्त सभी में से झरने बह रहे होते हैं। जंक्शन को, और जो भी ट्रेन्स ऊपर की ओर जाती है उन सारी ट्रेन्स का यहाँ पर टेक्निकल हॉल्ट होता है, और यहाँ पर जो बैंकर्स है वो लगाए जाते हैं। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा लोकोमोटिव दिख रहे हैं आपको, ये सारे बैंकर्स हैं जो कि ट्रेन्स को पुश करने के लिए यहाँ पर लगाए जाते हैं। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन पनवेल की ओर जाती है और एक लाइन कल्याण की तरफ। अभी हम जो बढ़ रहे हैं वो है लाइन कल्याण वाली, बाकी अगर आपकी ट्रेन पनवेल की तरफ से आती है तो भी पुणे जाने के लिए करजत होकर ही जाती है। तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये है पनवेल की ओर तरफ, पनवेल की ओर जाने वाली लाइन। तो अभी हम पहुंच रहे हैं कल्याण जंक्शन, और सामने जो लाइन आप जाते हुए देख रहे हैं ना वो जाती है कसारा इगतपुरी घाट होते हुए नासिक रोड की तरफ। हमारे साथ साथ यहाँ पर पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस अराइवल दे रही है।
ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट जो कि है कल्याण जंक्शन, स्टेशन कोड KYN। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1854 में और इसे ऑपरेट किया जाता है सेंट्रल रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन के द्वारा। कल्याण रेलवे स्टेशन इंक्लूड होता है इंडियन रेलवे के टॉप 10 बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन के अंदर, बिकॉज यहाँ की जो पैसेंजर फ्रिक्वेंसी है, डेली पैसेंजर फ्रिक्वेंसी है 360,000, और इस फ्रिक्वेंसी को कैटर करने के लिए यहाँ पर आपको 8 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। कोई भी ट्रेन लोकल ट्रेन्स के अलावा यहाँ से नहीं तो ओरिजिनेट होती है, नहीं टर्मिनेट होती है, लेकिन 291 ट्रेन्स का यहाँ पर हॉल्ट ज़रूर होता है। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन से अभी हम आए हैं, करजत और पुणे वाली लाइन, उसके अलावा जो लाइन मैंने आपको दिखाई कसारा इगतपुरी घाट वाली लाइन, उसके अलावा यहाँ से एक लाइन जिस लाइन पर अभी हम आगे बढ़ेंगे यानी वसाई रोड की तरफ एक लाइन जाती है और एक लाइन सीधी चली जाती है CSMT यानी मुंबई के लिए। इसी वजह से कल्याण को जंक्शन कहा जाता है। हमारी ट्रेन का पहुंचने का ऑफिशियल टाइम था 1:22 का, लेकिन अभी बज रहे हैं 1:40, यानी हमारी ट्रेन फिर से लेट हो चुकी है और 3 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है। और क्यों ये इंडियन रेलवे के टॉप 10 बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में इंक्लूड होता है वो आप पीछे देख ही सकते हैं। कल्याण रेलवे स्टेशन पर ऑलमोस्ट इस रूट पर चलने वाली सारी ट्रेन्स रुकती है, लेकिन सिर्फ 2 ट्रेन्स ऐसी है जो कल्याण जंक्शन को स्किप करती है। आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि वो 2 ट्रेन्स कौन सी है। चलिए, डिपार्चर हो चुका है, निकलते हैं अब कल्याण से। और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का हमारे साथ ही अराइवल हुआ और साथ ही डिपार्चर भी हो रहा है, बट ये अलग लाइन पर जाएगी जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी CSMT वाली लाइन पर ही जाने वाली है ये, और हम मुड़ जाएंगे वसाई रोड की ओर। पैरेलल डिपार्चर, अब एक तरीके से इसे रेस भी कहा जाता है, भले ही हमारी लाइन अलग होने वाली है लेकिन देखना है आगे कौन निकलता है। फिलहाल में तो लीड में ये पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ही है बिकॉज एस्केलेट भी कर रही है ये। ये लीजिए, हमने बीट कर दिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को और हम आगे निकल रहे हैं। भाई साहब, हम सोच रहे थे कि हमने हरा दिया, लेकिन स्वैग से इसने ओवरटेक किया है। अब पाटलिपुत्र एक्सप्रेस निकल चुकी है हमारे से आगे। ज़रा कमेंट करके बताइए कौन सी वंदे भारत थी। रेफरेंस के लिए आपको टाइम बता देता हूँ कि 1:54 हुई है दोपहर का। देखो यार, जो हमारी पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के साथ एक रेस हुई ना, उसके लिए मेरा एक अलग सेकंड थॉट है। डोंबिवली पर उसने हमें ओवरटेक किया और डोंबिवली के तुरंत बाद ही कोपर से हमारी लाइन चेंज होती है, तो डोंबिवली पर ऑब्वियस हम लोग स्लो होने वाले थे, बट स्टिल उसने प्रॉपर तरीके से ओवरटेक किया है। तो आप ज़रा कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से जो पाटलिपुत्र एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके गई है वो विनर है या नहीं है। बिकॉज मेरे हिसाब से तो भाई, अगर किसी ट्रेन का लाइन चेंज होना है तो उसे स्लो होना ही पड़ता है, और वैसे भी स्लो है। हम लोगों ने उसे प्रॉपर पहले ओवरटेक कर लिया था, लेकिन फिर डोंबिवली पे वो ओवरटेक करके चली गई। तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से विनर कौन है, हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस या फिर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। और जिस लाइन चेंज होने की मैं बात कर रहा था वो ये वाली है, सामने जो लोकल ट्रेन जा रही है ना, मतलब वो कोपर की तरफ जा रही है और जिस तरफ से वो आ रही होगी वो CSMT की तरफ से आती है। और अब हम बढ़ने वाले हैं वसई रोड की ओर। ये जो सामने लाइन आपको दिख रही है ये है हमारी मुंबई सेंट्रल की तरफ से आने वाली मुंबई वेस्टर्न वाली लाइन, जिसे अहमदाबाद मुंबई मेन लाइन भी कहा जाता है, और अब इसी लाइन पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं वसई रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BSR वसई, जो कि आता है महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये एक बाईपास रेलवे स्टेशन है जो कि ट्रेन्स को मुंबई के लिए बाईपास कराता है। वो ट्रेन्स जो कि वडोदरा की तरफ से आती है और आगे बेंगलोर के लिए जाती है, हैदराबाद के लिए, इवन चेन्नई के लिए जो ट्रेन, जैसे हमारी ट्रेन आई है, तो ये रेलवे स्टेशन मुंबई के लिए बाईपास कराता है। बिकॉज़ यहाँ से आप मुंबई के लिए लोकल ट्रेन्स आराम से ले सकते हैं। मुंबई वेस्टर्न लाइन के लिए आप जा सकते हैं, और अगर आगे बढ़े कल्याण के लिए तो फिर सेंट्रल लाइन और सबअर्बन लाइन जो भी है, वो सारी लाइंस के लिए आप वहाँ पर निकल सकते हैं। तो इसी वजह से एक बाईपास रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पर ये काम करता है। वसई पहुँचने का हमारा ऑफिशियल टाइम था 2:20 का, लेकिन अभी बज रहे हैं 2:37, यानी 17 मिनट फिर से हमारी ट्रेन जो है वो लेट है, और सिर्फ यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत, स्टेशन कोड ST, और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1854 में। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे के, मुंबई वेस्टर्न रेलवे डिवीजन के द्वारा, और इस डिवीजन का ये A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आपको 4 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, 21 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और 22 ट्रेन्स यहाँ पर टर्मिनेट होती है, और साथ ही साथ 332 ट्रेन्स का यहाँ पर होल्ट होता है, जिसमें कई सारी प्रीमियम ट्रेन्स जो है वो इंक्लूड होती है। सूरत पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो 4:52 का था, और हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल में 5:05 पर पहुँची है, यानी थोड़ी बहुत लेट है अभी भी, बट इतना तो चलता है बिकॉज अहमदाबाद तक तो हम ऑन टाइम हो ही जाएंगे। सूरत शहर की अगर मैं बात करूँ तो इसे सबसे ज़्यादा जाना जाता है यहाँ पर होने वाली डायमंड कटिंग पॉलिशिंग की जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए, और साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। सूरत का कपड़ा काफ़ी फेमस है, कई सारे शहर से लोग सूरत स्पेशली कपड़े ख़रीदने के लिए आते हैं। और ये पूरी जो भीड़ दिख रही है ना आपको, ये सारी है कर्णावती एक्सप्रेस के लिए, जो कि मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच में चलती है, और अननेम्ड जन शताब्दी कह सकते हैं आप उसे, इस रूट की। वो हमारे बिल्कुल पीछे पीछे ही चल रही है, बट उसका वापी और वलसाड़ पर हॉल्ट था, हमारा नहीं था, इस वजह से हम लोग आगे आगे ही आ रहे। और उम्मीद करता हूँ पीछे मैंने जो आपको फास्ट एक्शन दिखाया वो आपको पसंद आया होगा। अभी और भी बाकी है, बिकॉज वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस हमें क्रॉस करना बाकी है, तो आप देखेंगे उन दोनों ट्रेन्स का क्रॉसिंग, और साथ में भरूच और नर्मदा नदी का स्किप तो है ही। और अभी कोच ऑलमोस्ट खाली हो गया है, बिकॉज ज़्यादातर जो पैसेंजर्स थे वो सूरत के ही थे। अगर आपने मेरी इस हम सफ़र एक्सप्रेस की जर्नी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो
तो मैं ऊपर आई बटन में अटैच कर रहा हूँ। पार्ट वन भी ज़रूर से देखिएगा, उसमें मैंने आपको जर्नी दिखाई है चेन्नई से पुणे के लिए, और उसमें भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्रॉसिंग वगैरह और पूरी रेल फेनिंग से भरा हुआ वो ब्लॉग भी है। तो पार्ट वन ज़रूर से देखिएगा, आपको पहली जो जर्नी है यानी पुणे से पहले की वो अगर आपको देखनी है तो। और हाँ, उसमें मैंने जितनी भी बेसिक डिटेल्स है इस ट्रेन की, जैसे कि कोचेज कॉस्टिंग टाइमिंग, ये सब कुछ मैंने उसमें बताया है, तो वो सारी डिटेल आपको उस ब्लॉग से मिल जाएगी। ट्रेन में खाने के ऑप्शन में हेल्दी बहुत कम ही होता है, तो ऐसे में कुछ भी मिल जाए तो ले लेना चाहिए। वैसे मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से ना ही मैंने दोपहर में कोई लंच लिया और ना ही कोई नाश्ता किया, बट अभी ये मिल रहा था 40 रुपीज़ में, सैलेड कह सकते हैं। मुझे तो लगा भरूच में कहीं रुकी ना जाए। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इंडियन रेलवेज के 5th बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन वडोदरा जंक्शन, स्टेशन कोड BRC, और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1861 में। 5th बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर 344 ट्रेन्स का हॉल्ट होता है। इन्हें केटर करने के लिए यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स है और 18 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और साथ ही साथ वडोदरा के पास है वेस्टर्न रेलवे का वन ऑफ द लार्जेस्ट लोको शेड, जो कि होल्ड करता है 10 से ज़्यादा वेब 4, 60 से ज़्यादा वेब 5 और 130 से ज़्यादा वेब 7 लोकोमोटिव्स, जो कि प्राइमरीली जितनी भी पैसेंजर ट्रेन्स है उसमें हॉल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वडोदरा को गुजरात का कल्चर कैपिटल भी कहा जाता है, जो जस्ट बिकॉज यहाँ पर हर ट्रेडिशन के फेस्टिवल को बड़ी यूनिक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इसी वजह से वडोदरा का दूसरा नाम संस्कारी नगरी भी है, और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक लाइन, जिस लाइन पर अभी हम आगे बढ़ेंगे यानी अहमदाबाद की ओर, एक लाइन यहाँ से चली जाती है रतलाम की ओर, एक लाइन आती है जिस लाइन से अभी हम आए हैं यानी मुंबई की ओर से, और एक लाइन आती है एकता नगर केवाड़िया डबोई होते हुए वडोदरा की ओर। तो ये सारी लाइन्स यहाँ पर मिलती हैं, इसी वजह से वडोदरा को जंक्शन कहा जाता है, और वडोदरा पर हमारा 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और अगर हमारे ट्रेन की रनिंग स्टेटस की बात करो ना, तो वडोदरा पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो शाम के 6:28 का, लेकिन अभी हमारी ट्रेन अपने तय समय से 24 मिनट लेट पहुंची है। बट अभी यहां से हमारा अहमदाबाद के बीच में सिर्फ एक ही हॉल्ट होने वाला है, और वडोदरा से अहमदाबाद का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट 100 किलोमीटर है। तो हमारा जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम है ना, वो रात को 9 बजे के बाद का है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम है हमारे पास इस जो लेटेंसी है 24 मिनट की उसको कवर करने के लिए, और कवर कर भी लेंगे और ऑन टाइम ही पहुँच जाएंगे। चलिए देखते हैं कि वडोदरा से हमें कितने जल्दी डिपार्चर मिलता है, और यहाँ से आगे मैं सिर्फ जो स्टेशन है वो दिखाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा अगर कोई और ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होता है तो वो क्रॉसिंग मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अगर वडोदरा से कोई ये व्लॉग देख रहा है तो ज़रा कमेंट में हाय हेलो ज़रूर कीजिएगा। तो अपने तय समय से एग्जैक्टली आधा घंटा लेट अभी हम निकल रहे हैं वडोदरा जंक्शन से।
तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको आनंद जंक्शन नहीं दिखा पाया, जस्ट बिकॉज जैसे आनंद जंक्शन पहुँच कर मैंने शूट करना स्टार्ट किया, मुझे मेरे फ़ोन में मैसेज आ गया कि मेरी जो मेमोरी है वो फुल हो चुकी है, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने उसे क्लियर नहीं किया है। खैर अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर अमूल जंक्शन की बात, अमूल नहीं आनंद जंक्शन, बट अगर अमूल जंक्शन कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ये जगह फेमस ही हुई थी अमूल डेयरी और उसके मिल्क रिवोल्यूशन से, और यहीं पर है गुजरात कॉरपोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर। खैर आनंद जंक्शन की अगर बात करें तो इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं उसके अलावा एक लाइन खंबात की ओर और एक लाइन डायरेक्ट निकल जाती है गोधरा की ओर, जो कि आगे नई दिल्ली मुंबई मेन लाइन में मिल जाती है, तो उसी वजह से आनंद को जंक्शन भी कहा जाता है। 20 ट्रेन आनंद जंक्शन से ओरिजिनेट और 26 ट्रेन आनंद जंक्शन पर टर्मिनेट होती है और 217 ट्रेन का वहाँ पर हॉल्ट भी होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है आनंद जंक्शन। अब आनंद जंक्शन के बाद हमारी ट्रेन सीधा जाकर रुकने वाली है हमारे डेस्टिनेशन। तो मैंने तो यही सोच लिया था कि भाई साहब अब जर्नी ख़त्म, सीधा अहमदाबाद जाकर आपको साइन ऑफ दूंगा, बैग वैग लेके तैयार हो गया था, लेकिन भाई साहब हमें अहमदाबाद से पहले मेमदाबाद खेड़ा पर रोक दिया गया है। ये देखिए हमारी ट्रेन जो है वो लूप लाइन पर लग चुकी है और हमें ओवरटेक करने वाली है कर्णावती एक्सप्रेस, जस्ट बिकॉज कर्णावती का पहुंचने का अहमदाबाद पहुंचने का ऑफिशियल टाइम है रात को 9:05 का और हमारी ट्रेन का 9:15 का है, तो इसी वजह से अभी वो नड़ियाद से निकलेगी, हमें ओवरटेक करेगी और उसके बाद हमें अहमदाबाद के लिए जाने को मिलेगा। तो भाई साहब ऐसे ही मैंने नहीं बोला था कि अननेम्ड जन शताब्दी है वो, बिकॉज इस रूट पर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है वो। चलिए देखते हैं उसका ओवरटेक 130 की स्पीड पे निकलेगी, देखने में मजा आएगा। चलिए दोस्तों, तो 1727 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन अहमदाबाद जंक्शन, स्टेशन कोड ADI। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग, उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये व्लॉग मैं ईद के कुछ ही दिन पहले अपलोड करने वाला हूँ, यानी पब्लिश करने वाला हूँ, तो आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। तो बस अगर आप मुझे पर्सनली विश करना चाहें तो इंस्टाग्राम का हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपको जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो बस चलिए चलता हूँ मैं अहमदाबाद जंक्शन के बाहर, एंड दिस इज फैसल खान साइनिंग ऑफ फॉर माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।